दोस्तों, हमारी इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये हमें ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ खाना खाने की भी ज़रूरत होती है, जिससे हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे ज़िंदा रहने के लिए अपना न्यूट्रिशन सूरज की रोशनी और मिट्टी से लेते हैं, यही इनका खाना होता है, जिससे ये न्यूट्रिशन लेकर बड़े होते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो अपना न्यूट्रिशन मांस खाकर पूरा करते हैं। इन्हीं में से एक सबसे फेमस पौधा है वीनस फ्लाईट्रैप। ये पौधा नॉनवेज यानी मांसाहारी होता है। ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाकर अपना भूख मिटाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में जानेंगे कि ये कैसे छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है और इन्हें खा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस न्यूज़ टीवी में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, इस पौधे का नाम वीनस फ्लाईट्रैप है। ये पौधा मांसाहारी होता है। ये अपने आसपास आने वाले छोटे मोटे जीव जंतुओं या कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भूख मिटाता है और इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये पौधे कहीं जाकर तो शिकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई छोटा मोटा जीव आकर गलती से बैठ जाता है तो ये बहुत तेज़ी से उसे दबोच लेता है। ये पौधे खुले रहते हैं, लेकिन जब कोई जीव गलती से इनके ऊपर आकर बैठ जाता है तब ये बहुत तेज़ी से अपने आप को बंद कर लेता है। ये एक सेकंड के दसवें भाग से भी कम समय में अपने आप को क्लोज कर लेता है। इसके बाद ये अपने शिकार को धीरे धीरे पचाना शुरू करता है। अगर कोई छोटा जीव होता है तो उसको ये 3 से 4 दिन में पचा लेता है, और बड़े जीव को पचाने में इसको कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है। आइए अब जानते हैं कि इनको अपने शिकार के बारे में कैसे पता चलता है। जब ये खुले होते हैं तब इनके स्किन में छोटे छोटे बाल जैसे 4-5 सेंसर लगे होते हैं। जब कोई जीव इनके ऊपर आकर बैठ जाता है और इनके सेंसर से गलती से टकरा जाता है तब इन पौधों को अपने ऊपर किसी जीव के होने का आभास हो जाता है और ये अपने आप को बहुत ही तेज़ी से बंद कर लेता है। ये पौधे अमेरिका के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज़ से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें साइंस न्यूज़ टीवी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।